स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच एक ऐसी रोल मॉडल इस विषय पर चर्चा हेतु हमारे साथ है, जिन्हें तात्कालिक राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी साहब ने पद्मश्री से नवाजा है। एक रोल मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, जो कि जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाउंडर एवं डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर जनक पल्टा मगिलिगन मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इन्हें प्यार से हम सभी जनक दीदी भी बुलाते हैं। आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है। दीदी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है, जिस लाइफस्टाइल को आप जी रही हैं अभी, वो लाइफस्टाइल आपने आज से 30 साल 40 साल पहले सोचा था कि आप इस तरह की लाइफ जीने वाली हैं, या ये एक एफर्ट था, कांस्टेंट एफर्ट था, कि ये प्लान्ड एफर्ट था कि नहीं मुझे ऐसा जीना है? दोनों बातें हैं। मैं 16वें साल में थी जब भारत का पहला सफल ओपन हार्ट सर्जरी मेरा हुआ था। एक साल अस्पताल में रही थी। जब मुझे बताया गया कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, डॉक्टर ने कहा, देखो, खोलो आंखें, खोलो, देखो जनक। तो मैंने उस पल आंखें खोलने से पहले ईश्वर को कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसको आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी। वो पल था जिसके बाद मैं जीवन में ईश्वर और जीवन थैंक यू कैसे करना है, तो थैंक यू मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। और ये जो भी हो रहा है ये सब उसके थैंक यू में हो रहा है। बहुत सुंदर। तो मैंने तलाश किया उस थैंक यू शब्द के बाद। वो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन मैंने ढूंढा कि कैसे थैंक यू देना है। छोटे मोटे सब पार्ट टाइम जैसे लाइफ में मैं करती रही, लेकिन मेरा जो जीवन की जैसा एक सादगी और एक ऐसा जीवन जो मतलब थैंक यू में ही बिताना है, उसको लेकर मुझे लगता है कि हमारी जो माँ थी श्रीमती माया रानी पल्टा, उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव था। उनकी वो बहुत सहज और ऐसी थी। तो हम लोग मैंने ईश्वर को ढूंढने के लिए और अपने इस मार्ग को ढूंढने के लिए 16वें साल में थी, 16 साल और लगे। 1981 में मैंने चारों धाम कर लिए, सारी यात्राएं कर ली, सब जगह तीर्थ स्थानों पे देख लिया जी। गई, लेकिन मुझे बहाई धर्म मिला। मैंने बहाई धर्म अपनाया। बहाई धर्म के जो सिद्धांत हैं वो मेरा लाइफस्टाइल बन गए। मैं उसमें जो सीखा है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो थैंक यू में ये बात शामिल हुई कि ईश्वर ने 3 लाइनें आपको सुनाती हूँ जी, जी। बहाउल्लाह जो बहाई धर्म के फाउंडर हैं, हम उनको इस युग के अवतार मानते हैं, उनकी 3 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। हे चेतना के पुत्र, मैंने तुझे उत्तम उत्पन्न किया है, फिर भी तूने अपने आप को गिरा दिया है। उठ, उसी को प्राप्त कर जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। तो ये एक मंजिल जी जिसके लिए
ईश्वर सब रास्ते बनाता चला गया और वो रास्ते बनते चले गए। मैंने बहुत सारी नौकरियां की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट, एक रिसर्च सेंटर होम मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा था। उस रिसर्च सेंटर के माध्यम से मैं इंदौर आई थी। अच्छा। उससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में यूजीसी रिसर्च फेलो थी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा सुनकर कि मैं कभी कॉलेज पढ़ने नहीं गई और यूनिवर्सिटी भी पढ़ने नहीं गई, लेकिन मैंने पढ़ाया और उसके बाद रिसर्च सेंटर में काम किया। तो मुझे सारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च वर्क के कारण भारत दर्शन हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और सब जगह भी। एक प्रोजेक्ट था हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन करने में इंदौर आई थी। तो मुझे, मैं इंटरव्यू कर रही थी लोगों को, रेजिडेंसी में मैं स्टेट गेस्ट थी, ये 1984 की बात है। उस टाइम मुझे तीन लोग, सबसे पहले बहाई जो एक मिसेस डी के वजी हैं प्रोफेसर, उनको मैं बहाई सेंटर में मिली। ये उस रात की बात है जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये ज़मीन पड़ी है यहाँ, क्या कर रहे हैं आप, ऐसी पड़ी थी। उन्होंने कहा वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू, यू कम हेयर, वी विल डू वंडर्स, वी वॉन्ट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एंड ट्राइबल वीमेन। एक दिन, दूसरे दिन सुमित्रा ताई महाजन जो कि उस टाइम डेप्टी मेयर थी, उन्होंने, उनकी मैं इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने कहा सुनो जनक, पहले ही दिन उन्होंने मुझे जनक कहा और मैडम वजदी ने भी जनक ही कह के बुलाया। और उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ ऐसी महिलाओं की बहुत कमी है और महिलाओं को बहुत काम करने की उनके साथ ज़रूरत है। तीसरे दिन मैंने प्रभु इच्छा बोला सबको, तीसरे दिन यहाँ बड़ा रावला के जूनी इंदौर वाले निरंजन जमींदार साहब थे जो जेपी मूवमेंट के थे, चिंतक थे, उन्होंने, उनका इंटरव्यू कर रही थी। उन्होंने भी एंड में बोला तुम पंजाब की बेटी हो लेकिन अब यहाँ आ जाओ, यहाँ इतनी बहादुर महिलाओं की, साहसी महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। तो तीन दिन में तीन लोगों ने कहा, मैं प्रभु इच्छा कही और चली गई। और बाद में मुझे मिसेस जीना सोली सुराब जी जो हमारी बहाई काउंसलर थी, उन्होंने एक दिन कहा रात को इंदौर इंस्टीट्यूट शुरू करना है तुम जाओ। मैंने नौकरी छोड़ी, माता पिता के आशीर्वाद लिए, मैं आ गई 1 जून 1985 को। वो भामोरी में वो बहाई भवन के अंदर जहाँ बाउंड्री नहीं थी, जहाँ कुछ नहीं था, मैंने अकेले 3 साल रही और वो आदिवासी क्षेत्रों में जाने लगी। आदिवासी क्षेत्रों में रहने से मुझे बहुत सारी, मुझे लगा कि असली जीवन ये है जी, जी। और मैंने 302 गांव में नारू की बीमारी थी, गिनी वर्म्स की। तो गिनी वर्म, जैसे अभी ये कोरोना का चल रहा है, तो मैंने अकेले वॉलंटरी सर्विस, कोई फंडिंग नहीं ली, मैंने 302 रात उन गांव में बिताए जहां नारू था। लोगों ने बात समझी और नारू ख़त्म किया। मुझे यूएनईपी ने ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर मेरे इंस्टीट्यूट के लिए देने के लिए रियो डी जेनेरो में बुलाया, अर्थ समिट में। वहाँ मैंने सुना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा। अब मैं तो आदिवासियों के साथ काम कर रही थी, मैं वो चंडीगढ़ की, जो मेरा एक प्रोफेशनल तरीका था, थोड़ी हील पहनना, गर्मी में काला चश्मा लगाना, ऊपर एक रंगीन छतरी लगानी, और कॉलेज जाना है तो साड़ी पहन के जाना है, नहीं तो अपने पर बहुत ज़्यादा फैशनेबल और सजने धजने का मुझे कभी शौक नहीं था। लेकिन ये एक, जैसे उस माहौल में रहते हैं पंजाब में, पंजाबी जो था, लेकिन बहुत कम शौक था मेरे को। लेकिन जब मैं वहाँ उनके साथ रही,
वो उनके साथ रह के 2 रुपए की टायर की चप्पल से मैंने अपनी यात्रा शुरू की आदिवासी एरिया में। 23 किलोमीटर रोज पैदल चलती थी। दो मेरे पास जनता धोतियाँ थी, एक कपड़े की थैली में वो रखती थी, धो देती थी अगले दिन उठ के। टॉयलेट नहीं होते थे, बाथरूम नहीं होते थे, उनके साथ जंगल में जाना, उनके साथ रहना। तो मेरे जीवन का जो मेरी जीवन शैली है वो आदिवासी लोगों ने मेरी जीवन शैली बनाई। और फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब डेफिनेशन पढ़ी पहली बार, सुनी वहाँ, कि यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन ए वे बाय नॉट कंप्रोमाइजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, मैंने आके क्वेश्चन पूछना शुरू किया, अभी पानी इतना है जितना चाहिए? 92 में आके मैंने पहले आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में ये क्वेश्चन पूछा, नहीं है, हमारे पास हवा की पोल्यूशन है, हवा उतनी शुद्ध है? नहीं है। हमारी धरती उतनी शुद्ध है, सॉयल जिसमें हमें सही शुद्ध खाना मिल रहा है, हमने केमिकल से भर दी है। पानी की क्या हालत है हमारी? हमारी गंगा मैली की बात हो गई जी शुरू। फिर मैंने ये क्वेश्चन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन आने वाली पीढ़ियों को कैसे देंगे जब हमारे पास नहीं है। फिर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रीडिफाइन किया। दो भारत के जो हमारे वाक्य हैं, पहला है विश्व का कल्याण, ऐसा करते थे विश्व का, हम कहते थे कल्याण हो, कल्याण हो। फिर हमें कहते थे कि प्राणियों में, फिर हम कहते थे सद्भावना हो। तो मैंने मेरे जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऐसा समझा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जब हम थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली करेंगे। मैंने जब अर्थ समिट को सुना और पूरे विश्व का सुना और फिर क्लाइमेट चेंज, और उसके साथ तब से जुड़ी हूँ मैं 1992 से, उसके बाद फिर ये प्राणियों में सद्भावना, इंसान को हमें बनाया है ईश्वर ने, सबसे बड़ा जन्म दिया है, विवेक की शक्ति दी है, आत्मा दी है, कि हम ऐसी सस्टेनेबल चॉइसेस बनाएं, लें, हर बात को उसे सोचें, खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, जा रहा हूँ, त्यौहार मना रहा हूँ, सफ़र में हूँ, घर हूँ, बाहर हूँ, कहाँ हूँ, क्या हम प्राणियों के साथ सद्भावना से जी रहे हैं? वो संकल्प मैं लेके आई मेरे जीवन में, ईश्वर से मांगा कि मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं प्राणियों से सद्भावना से जीऊँ, इंसानों से, वो बहाई धर्म में सब प्राणियों के साथ जीना ही है जी। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी बात, एनिमल किंगडम, पशु जीव जगत, इनके साथ सद्भावना से जीना, फिर वनस्पति के साथ, फिर पृथ्वी और 5 तत्वों के साथ। तो वो अपने आप मेरा लाइफस्टाइल बनता चला गया। आपने बहुत सुंदर, मतलब एक सारगर्भित तरीके से जो मेरा पहला प्रश्न था उसको भी आपने समप कर दिया, कि मेरा जो पहला एक प्रश्न था कि ये जो जीवन हमें मिला है खाने पीने और सोने के लिए, ये हमारी दैनिक दिनचर्या का कार्य है, पर इस जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो जो आपने बात कही, शायद से मैं उस बात को रिलेट कर पा रहा था कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इस तरह से जो आपने बात कही कि नहीं है, जीवन एक स्वर्णिम अवसर की ओर ले जा रहा है, जहां आपने जितने सारी बातें बताई, आपने जो बाह्य धर्म की जो प्रार्थना कही, वो सारी बातें इस बात को बहुत अच्छे से समप कर देती है। मेरा आपसे अगला प्रश्न रहेगा दीदी, जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको, जिससे आप बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि ये मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हाँ, यही जो सद्भावना से जीना, मेरे बीजी माँ मेरी, वो उन्होंने बचपन में, मैंने उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया, पिताजी से बहुत सारी करेज, हौसला और सीधा बोलना और डरना नहीं। मतलब मेरे जीवन में एक पहली बात ये थी कि मेरे को यह नहीं लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ। मैं 3 साल उस उजाड़ में भामोरी में रही, और यहाँ भी आके पहले 2-3 साल कुछ नहीं था, यहाँ भी उजाड़ थी और कोई इंसान नहीं था आसपास, तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ईश्वर ने मुझे बुलाया है, उसके हुक्म पे आई हूँ,
और वही मेरा रक्षक है, वो मेरे अंगसंग है, वो मुझे देख रहा है। जो उसने लिया है उसका था। मेरे हस्बैंड को उन्होंने यहाँ वो घर बनाया, उसके बाद अचानक एक एक्सीडेंट हुआ हमारा दोनों का, वो चले गए। तो लेकिन वो जो बातें थी उनको कायम रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, फिर लोगों ने ही हिम्मत दी सारी। तो मुझे दो बातें तो माँ की हैं जिसने मेरे जीवन में मुझे कहा कि पंजाबी में बोलती हूँ, या तो लोगों दे हो जाओ, लोगों दे हो जाओ जी, और या लोगों नूं अपना कर लो। पर जे तुसी दोनों कर लोगे तो तुसी जग जीत लिया, तो दुनिया जीत ली। बहुत सुंदर। मैंने तो दुनिया नहीं जीती है पर दुनिया ने मुझे जीता है। बहुत सुंदर। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो जीवन है हमारा, हमें इसका उद्देश्य सेंट्रल होना चाहिए। क्या हम इस दुनिया में कचरा करने आए हैं, इस दुनिया में लड़ने आए हैं, इस दुनिया से वैर करने आए हैं, इस दुनिया से ईर्ष्या करने आए हैं, यहाँ निंदा करने आए हैं, भेदभाव करने आए हैं, बंदूक चलाने आए हैं, मारने के लिए आए हैं, दिखावा करने के लिए आए हैं? नहीं, ईश्वर ने ईश्वर की दुनिया को कायम रखने के लिए, सस्टेन, ईश्वर तब तक रहेगा जब तक इंसान रहेंगे जी। क्योंकि ईश्वर इंसान के अंदर रहता है जी, जी। तो मुझे लगता है कि यही एक बात। और दूसरा जो मेरे जीवन में मेरे साथ बहुत सारे चांस मुझे दिए ईश्वर ने, ओपन हार्ट सर्जरी, फिर कैंसर, 4 सर्जरीज कैंसर की हुई, उसके बाद एक्सीडेंट में बच गई, अभी कोविड भी थोड़ा सा हुआ, झलक दिखाई उसने भी, फिर भी बची। मैं सोचती थी कितनी सुंदर जगह मुझे एक होम आइसोलेशन के लिए, इससे सुंदर कोई दुनिया नहीं, जगह नहीं थी। उसने मुझे जब कष्ट दिया उसने मुझे संभाला, उसने फिर चांस दिया। और मैं ये बात सीखी कि हमें ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, कब कहाँ मरेंगे, लेकिन ये चॉइस है कि जीना कैसे, जीना कैसे है। बिल्कुल सही। वो जो कर्म है, मतलब न जन्म न मृत्यु हमारे हाथ में, बट वो जो बीच का दायरा, बीच का जो पल है, वो पल हमारे को भगवान ने शक्ति दी कि हम जी सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में ही जाना है। बिल्कुल सही है। ये तो उसने भेजा है कुछ लीला करने के लिए, एक चांस दिया। मैच खेलते हैं ना, गोल्ड लेके आ रहे हैं, सिल्वर लेके आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं, और हम इस दुनिया में ना तो कुछ लेके आए हैं ना तो कुछ लेके जाएंगे। दुनिया में जीत हार भी नहीं है, सब उसका है। बहुत सुंदर बातें आपने आज हमें बताई। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जीवन में कोई ऐसा वाक्य जो आपके जीवन में यू टर्न लेके आया, वो क्या है? यू टर्न तो मुझे लगता है कि ऐसे शायद से बहुत सारे वाक्य होते हैं, पर कोई भी ऐसा एक वाक्य जो आपको लगता है कि वाकई में वो वाक्य आपको जीवन भर याद रहेगा, या आप उसके नहीं, मुझे लगता है जो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मुझे एक साल जब मुझे भर्ती किया था अस्पताल में, तो पंडित नेहरू की डेथ होके चुकी थी तभी, सारा कुछ बंद था उस दिन, दवा भी नहीं मिल रही थी। और डॉक्टर ने जब मुझे दाखिल किया तो उन्होंने कहा चंडीगढ़ PGI में अभी ये सर्जरी होती नहीं है, और इसकी स्थिति इतनी ख़राब है, 6 महीने से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी नहीं है। और मुझे एक साल रखा गया अस्पताल में। तो वो जो क्षण था जब मुझे, मैंने आंखें खोली और बताया कि यू हैव मेड द हिस्ट्री, तो वो क्षण मेरे जीवन का हिस्ट्री। उसके बाद एक वो क्षण जिस टाइम मैंने 1988 के 16 अक्टूबर को, मैं मुझे एक मेरे बरली संस्थान के लिए एक जिप्सी जीप दी थी, उसको तपस सरस्वती, एक इंजीनियर है जो मेरे साथ झाबुआ में काम करता था, वो ड्राइव करके ला रहा था। उसने बोला उसको ये रब्बानी विद्यालय देखना है, क्योंकि उसको वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। वहाँ जिमी वॉलंटियर थे। तो हम उतरे तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला आज सुबह से थक गए हम, ट्रंक कॉल करते, आपका फ़ोन नहीं लग रहा। मैंने कहा मैं ही तो होती हूँ तो ट्रंक कॉल लेती हूँ, वो बंद है तो कौन लेगा। तो उन्होंने बोला आप आज जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे पास 25 मिनट का टाइम है, आप 25 मिनट में इसको दिखा दो, क्योंकि मुझे
इंदौर पहुंचना है, मेरे वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और मुझे आज शाम को वहां पहुंचना ही है रात तक। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरा एक वॉलंटियर है वो आपका देखना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, 25 मिनट में अगर वो आता है तो हम ले जाएंगे गाड़ी में बिठा के। तो जिमी को उस गाड़ी में 25 मिनट के लिए बिठा लाए, 25 मिनट के अंदर ये हो गया और 25 साल पूरे करके वो इंदौर की ही मिट्टी में समा के जीजा जी बन के गए और मैं पंजाब से आई तो दीदी बनी। तो इस शहर ने, दुनिया ने दीदी जीजा जी बनाया। दादी बोलते हैं बच्चे, नानी बोलते हैं, सोलर नानी बोलते हैं, जनक नानी, जनक दादी बोलते हैं। अभी जीवन में मुझे लगता है कि वो रिश्ते, वो सब जो भी था, ईश्वर ने क्या नहीं दिया। मुझे डॉक्टर्स दिए हैं, मुझे खाने पीने को दिया है, मुझे लोग प्यार दिया है। मुझे लगता प्रेम से बड़ी दुनिया में और ऐसे लोग दिए हैं, ऐसे बच्चे दिए हैं जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टार्टअप है। अभी ये नंदा आदिवासी लड़की है, इसका बेटा अब इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है और अब वो अपना स्टार्टअप है, वो अपना डे स्टार सोलर कुकिंग सॉल्यूशंस की कंपनी बना रहा है। उसकी बेटी MBA कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया, इतना कुछ आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्वयं को जाने का अवसर दिया आपने मुझे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितना कुछ हमने दीदी से जाना, कितना कुछ सुना, नए पर्सपेक्टिव मिले, नए दृष्टिकोण मिले। आइए हम किस बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उन्हें आत्मसात करें, क्योंकि आफ्टर ऑल कैसा जिया, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आइए स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। जैसे दिनचर्या दिन में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, टीवी देखते हैं या जो भी अपने काम करते हैं, उसमें एक जो रियाज करते हैं पहले नंबर पे होना चाहिए। पिताजी कहते थे कि खाना खाने बैठी कैसे तुम, वो हमारा यहाँ का खाना है, वो पहले दो फिर पेट का सवाल है। सुरों को ही हम ओंकार स्वरूप ब्रह्मनाद कहते हैं और उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो समाधान मिलता है, वो आध्यात्मिक स्वरूप में ही मिलता है।